भोजपुरी के सुपरहिट गायक तूफानी लाल यादव की तबीयत दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। जी हाँ, इन दिनों वो दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में हैं और आपको बता दें कि उनकी एक किडनी खराब हो चुकी है और उनकी हाफ बॉडी पैरालाइज हो चुकी है। जी हाँ, भोजपुरी के कई बड़े और कई छोटे कलाकार लगातार उनसे मिलने जा रहे हैं। आपको बता दें कि उनकी दवाई का रोज का 3.5 लाख का खर्चा है। अमेरिका से कल डॉक्टर आने वाले हैं, जो कि बताया जा रहा है कि उनके बचने के चांसेस लगभग 30% हैं। जी हाँ, अमेरिका से डॉक्टर आएंगे और फिर उनका इलाज पूरी तरह से स्टार्ट होगा। अभी स्टार्ट ही है, लेकिन उस तरह से नहीं है जिस तरह से होना चाहिए। बताया जा रहा है कि भोजपुरी जगत के कई ऐसे सितारे हैं जो उनकी मदद के लिए आए हैं, जैसे खेसारी लाल यादव, समर सिंह। ये भी कहा जा रहा है कि पवन सिंह भी अपनी तरफ से मदद करेंगे और दिनेश लाल यादव ने ऑलरेडी अपनी तरफ से मदद कर दी है। एक दिन का 3.5 लाख का खर्चा है हॉस्पिटल का, इसलिए तूफानी लाल यादव की फैमिली ने सभी से गुहार लगाई है, उनके फैंस से गुहार लगाई है कि उनकी मदद करें। आपको बता दें, समर सिंह उन्हें अपना बड़ा भाई मानते हैं, उन्हें अपना गुरु मानते हैं, इसलिए तूफानी लाल यादव के साथ आज वो पूरे दिन रहेंगे। अपना सारा कामकाज छोड़कर वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। साथ ही साथ उनके लिए भोजपुरी के कई ऐसे छोटे बड़े कलाकार हैं जो मदद की गुहार लगा रहे हैं। वैसे तूफानी लाल यादव के टैलेंट के भोजपुरी में सभी मुरीद हैं और उनकी तबीयत से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी जानकारी हम लगातार आपको देते रहेंगे। इस वक्त अगर तूफानी लाल यादव को किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो दुआओं की है, क्योंकि पैसे लेकर तो भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकार उनके लिए खड़े ही हैं।